हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउन क्या होता है? नाउन वे वर्ड्स होते हैं, नाउन नेम होता है किसी का भी, पर्सन का, प्लेस का, थिंग का। नाउन्स आर द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब नाउन एंड एड समथिंग टू देयर मीनिंग। ठीक है, एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो यूज टू डिस्क्राइब नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए और समथिंग एड समथिंग टू देयर मीनिंग, और उनके मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। यानी जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को के बारे में बताते हैं कि नाउन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। अभी नीचे दिए गए कुछ सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन लिव्ड इन ए स्मॉल डिंगी रूम। ठीक है, ओल्ड मैन, मैन कैसा है? ओल्ड। तो ये मैन क्या है? इट्स अ नाउन। नाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब करे, इतना याद रखना है आपको, जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करें, नाउन के बारे में बताएं, तो मैन क्या है? नाउन है, इट्स अ कॉमन नाउन, और नाउन के बारे में बता रहा है कि मैन कैसा है? ओल्ड है, लिव्ड इन ए स्मॉल डिंगी रूम। रूम कैसा है? स्मॉल है, डिंगी है। ठीक है, एंड देयर वॉज ए लाउड नॉइस। वहाँ पर क्या है? नॉइस है। नॉइस क्या है? नाउन है, और लाउड क्या है? कैसा, कैसा नॉइस है? लाउड है। व्हेन रोहन ड्रॉप्ड द हार्ड रेड बॉक्स। बॉक्स क्या है? नाउन है, और नाउन के बारे में कौन से वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं? हार्ड और रेड। ऑन द हाँ जी, माई अंकल, थर्ड देखिए, माई अंकल गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक। बुक कैसी है? बुक कैसी बुक है? इंटरेस्टिंग है। तो ये बुक नाउन है, और कैसी बुक है? इंटरेस्टिंग। बुक को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग वर्ड। तो ये क्या है? और जिससे हमें हाउ, ठीक है, कैसा के बारे में पता चलता है, जिस सेंटेंस में हमें हाउ का आंसर मिलता है, तो वहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। यानी नाउन की क्वालिटी को जो वर्ड्स बताते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। हाँ जी, देखिए, माय अंकल गेव मी इंटरेस्टिंग बुक। बुक कैसी? इंटरेस्टिंग है। नेहा इज अ हैप्पी चाइल्ड। चाइल्ड, चाइल्ड इज अ नाउन, और नाउन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं? हैप्पी। तो चाइल्ड कैसा है? हैप्पी है। ठीक है, तो इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स इन द डार्क टाइप आर एडजेक्टिव्स। जो डार्क कलर में लिखे हैं, जैसे हैप्पी है, इंटरेस्टिंग है, और स्मॉल है, ओल्ड है, लाउड है, हार्ड रेड है, ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स यूजली डिस्क्राइब्ड एज, एज को डिस्क्राइब करते हैं, साइज को डिस्क्राइब करते हैं, एंड हाँ जी, दे डिस्क्राइब नाउन एड टू देयर मीनिंग, और ये नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और उसमें कुछ मीनिंग, जिससे उसका मीनिंग डिस्क्राइब होता है, उस मीनिंग को के बारे में बताते हैं। एंड एडजेक्टिव्स यूजुअली डिस्क्राइब एज, एज को डिस्क्राइब करते हैं, साइज को डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट को, स्थिति को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, साउंड को, टच को, कलर को, ओपिनियन को, फीलिंग को, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब देखो, ऊपर आपने देखा कि ओल्ड एज, ओल्ड मैन, ये एज को डिस्क्राइब कर रहा है। साइज कैसा है रूम का? स्मॉल है। स्थिति कैसी है? डिंगी, अंधेरे वाली है। और साउंड कैसा है? लाउड है। टच कैसा है? हार्ड है। कलर कैसा है? रेड है। ओपिनियन यानी राय, ओपिनियन होती है राय। इंटरेस्टिंग है, अच्छी है, बुरी है। फीलिंग,
हैप्पी है, सैड है, इस तरह के जो वर्ड्स डिस्क्रिप्शन देते हैं, दीज आर कॉल्ड द एडजेक्टिव वर्ड्स. यस, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. इन योर बुक देर आर 4 or 5 टाइप्स एडजेक्टिव्स आर गिवन. फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. मैंने आपको पहले ही बताया जो वर्ड्स हाउ यानी कैसा को डिस्क्राइब करेंगे वो वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे. जैसे एडजेक्टिव्स विच टेल्स अस ऑफ व्हाट काइंड ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. किसी भी वस्तु और व्यक्ति के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, वो चीज़ कैसी है, दीज आर द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं. ठीक है, और इसमें ऑल दीज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब ए पर्सन और थिंग, और सभी जो एडजेक्टिव होते हैं किसी पर्सन को, थिंग को डिस्क्राइब करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, और इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं. अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम ए डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम ए डिफिकल्ट क्वेश्चन. हेयर क्वेश्चन इज नाउन. क्वेश्चन कैसा है, हाउ इज द क्वेश्चन. ठीक है, हाउ का क्या आंसर मिल रहा है, हाउ इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन कैसा है, डिफिकल्ट है. तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज ए पॉपुलर लीडर. लीडर इज अ नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं पॉपुलर वर्ड. कैसे नेता है, पॉपुलर है. ठीक है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए फनी स्टोरी. मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई. कैसी स्टोरी, फनी. स्टोरी कैसी है, फनी है. तो कैसे का, हाउ का, हाउ इज द स्टोरी, हाउ का जो आंसर मिलता है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ व्हाट काइंड यानी किस प्रकार का, किस प्रकार की स्टोरी है, फनी, किस प्रकार का नेता है, पॉपुलर, किस प्रकार का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट. तो हाउ ऑफ व्हाट काइंड या हाउ का आंसर हमें जहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. आप सेंटेंस में ये करके देख सकते हैं. ठीक है, सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी. सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी होता है मात्रा. जो वर्ड्स मात्रा के बारे में बताते हैं, दे डू नॉट डिस्क्राइब पर्सन और थिंग. ये किसी पर्सन को और थिंग को डिस्क्राइब नहीं करते. दे टेल दे आर नंबर और अमाउंट. ये किसी व्यक्ति और वस्तु के अमाउंट के बारे में, मात्रा के बारे में और उनके नंबर के बारे में बताते हैं. जैसे ही हैज़ मच मनी, उसके पास बहुत पैसा है. तो इसमें हमें, इसके सेंटेंस में हमें हाउ मच या हाउ मैनी के आंसर मिलेंगे. ठीक है, जैसे ही हैज़ मच मनी, उसके पास कितनी मनी है, हाउ मच, मच मनी, बहुत पैसा है. देयर इज लिटिल होप, कितनी आशा है, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. उसके ठीक होने की कितनी आशा है, लिटल, थोड़ी आशा है. ठीक है, तो लिटल इज एडजेक्टिव हेयर. एंड देर इज 30 गर्ल्स इन द क्लास. तो जो 30 है, ठीक है, 30, कितने, 30 गर्ल्स, कितनी, हाउ मैनी, 30. इन द अबव सेंटेंसेस द कलर वर्ड्स आर एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी. डिटेल्स अमाउंट और नंबर, ये हमें अमाउंट यानी मात्रा और नंबर के बारे में बताती हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी और हाउ मच. जो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो हाउ मैनी और हाउ मच का आंसर जो है हमें इसके सेंटेंसेस से मिलता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मे एक्सप्रेस डेफिनेट नंबर टू और एन इनडेफिनेट नंबर और अमाउंट मच लिटल. ये डेफिनेट नंबर जैसे 1, 2 ये एक्सप्रेस करता है, और मैनी बहुत सारे ऐसे भी एक्सप्रेस करता है, इनडेफिनेट नंबर भी और अमाउंट भी, जैसे मच है, लिटल है. ठीक है, इस तरह से भी ये एक्सप्रेस करते हैं ये वर्ड्स. थर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वे वर्ड्स होते हैं टेल्स अस वेयर समवन और समथिंग इज. कोई भी चीज़ कहाँ पर है, पर्सन और कोई
वस्तु कहाँ पर है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव जिन वर्ड्स के द्वारा उन चीज़ों के बारे में इंडिकेशन दिया जाता है। दे पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग, ये पर्सन को और थिंग्स को पॉइंट आउट करती हैं। दीज बुक्स, जैसे दिस बुक इज़ वेरी ओल्ड, इट इज़ ओल्डर देन ऑल दीज बुक्स। इतना याद रहे कि जो प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, वह भी यही होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी दिस, दैट, दीज, यही होते हैं। लेकिन जो एडजेक्टिव होते हैं उनमें क्या होता है, ये जस्ट नाउन से पहले आएंगे, ये नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, और जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के प्लेस पर आएंगे। इतना आपको याद रखना है इसमें डिफरेंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, दिस बुक, यह बुक इज़ वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी है, एंड इट इज़ ओल्डर देन ऑल दिस बुक्स, ये सभी बुक से पुरानी है। तो इसमें दिस और दैट डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये किसी एक विशेष बुक की बात कर रहा है। एंड दैट पर्सन इज़ माई अंकल, वो आदमी, इशारा करके, दैट अंकल, दैट पर्सन इज़ माई अंकल, ही हैज़ गिवन मी दोज शूज एंड शॉक्स, ये जूते और जुराबे उसने मुझे दी हैं। द बैगर लिव्स इन द येंडर हट, सच बॉयज नेवर सक्सेस्ड इन लाइफ, इस तरह के बच्चे, इस प्रकार के बच्चे जो हैं लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, सफलता नहीं मिल सकती उन्हें। अ सर्टेन किंग वॉज वेरी काइंड, ठीक है। तो इसमें जो इन द अबव सेंटेंस द कलर वर्ड आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कलर वर्ड्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, जैसे दिस, दीज, दैट, दोज, येंडर, सच और सर्टेन आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच, इसमें हमें विच का आंसर मिलेगा, ठीक है, कौन, ठीक है, मीन्स कौन। जैसे देखो, दिस बुक, कौन सी बुक, दिस बुक, ठीक है। दैट पर्सन, कौन सा पर्सन। द बैगर लिव्स इन येंडर हाउस, कौन सी हट। सच बॉयज, कैसे बॉयज। सर्टेन किंग, कैसा, कौन सा किंग, ठीक है। तो इस तरह से विच का जो आंसर मिलेगा आपको जिन सेंटेंसेस में, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, इसमें जो एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड विच नाउन टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है नाउन के बारे में, ठीक है, वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, एंड विच बुक्स इज योर्स, whose brother won the prize, and which way shall we go. In the above sentences, the words what, which, whose are used with the noun to ask questions. They are interrogative adjectives. And the fifth is possessive adjective. Adjectives which shows possession or belonging are called possessive adjective. Possessive adjective क्या होते हैं, जो क्या show करते हैं, possession यानी हक, अधिकार, जो words show करते हैं, that is called एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे योर शूज आर डर्टी, यहाँ पे देखो आपको थोड़ा डिफरेंस होता है जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, प्रोनाउन होते हैं जो पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे पोजेसिव प्रोनाउन नाउन के प्लेस पर यूज किया जाता है, जैसे योर शूज आर डर्टी, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि This is my book, अगर मैं बोलती हूँ this is my book, तो ये क्या होगा, possessive adjective होगा। और अगर मैं बोलूँ कि this book is mine, तो इसमें जो mine है वो pronoun होगा, possessive pronoun होगा, और this book ये possessive adjective होगा, ठीक है। तो जो words noun को describe करेंगे वो words possessive adjective होंगे। Our house need white house, they want to their house, इसमें जो दे है, इसमें जो दे दिया गया है पहले, ये
नाउन के प्लेस पर है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, और वेंट टू देयर हाउस जो लास्ट वाला है ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है देयर, तो ये जो देयर है यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। नीचे थोड़ा सा एक्सरसाइज दी गई है, उसको देखिए, अंडरलाइन एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से ऑफ वन काइंड ऑफ ईच। द लायन इज ए फियर्स एनिमल, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कैसा एनिमल है, फियर्स, भयानक, डरावना। शेक्सपियर रॉट मैनी प्लेज, शेक्सपियर ने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, मैनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, स्टेप बैक फोर स्टेप्स, ठीक है, फोर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आएगा यहाँ पे, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड फोर्थ है इंग्लैंड इज अ रिच कंट्री, इंग्लैंड कैसा कंट्री है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, रिच कंट्री है। लुक एट द डर्टी बॉय, बॉय कैसा है, डर्टी, क्वालिटी, ठीक है, वुमेन की क्वालिटी बताई गई है, कैसी वुमेन है, पुअर, क्वालिटी। व्हाट टाइप ऑफ गर्ल इज, एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है इसमें, पीछे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ये तो वेरी इजी। एंड देयर आर मैनी मिस्टेक्स इन योर एसे, योर एसे पोजेसिव एडजेक्टिव है। हाउ He borrowed two books from the library. Two books, adjective of quantity. We had insufficient rain last year. Insufficient rain kaisi hai? Insufficient quality. Such mistakes should never be made. Demonstrative. The clever thief. Thief kaisa hai? Clever. And this beach. This demonstrative, his father possessive adjective, that person demonstrative adjective, ठीक है, तो इस तरह से this topic is